उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र के नतीजों ने भी सबको हैरान कर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ बना गठबंधन बुरी तरह ध्वस्त हो गया, क्योंकि नतीजों के ऐलान में बीजेपी सीटों के अपने 2014 के रिकॉर्ड को भी पार कर गई। शिवसेना को भी बंपर जीत मिली। मुंबई में शिवसेना के दफ्तर में इस जीत की होली खेली गई। शिवसेना के कार्यकर्ता जीत के रंग में डूबे दिखे। पार्टी के नेताओं ने भी जश्न मनाया। ये जश्न महाराष्ट्र में मिली करिश्माई जीत का था। मुंबई में बीजेपी के दफ्तर में भी जलसा हो रहा था। पार्टी कार्यकर्ता प्रचंड जीत का जश्न मना रहे थे। महाराष्ट्र में जीत जितने बड़े लड्डू को चक्कर कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। ढोल नगाड़ों की थाप पर भांगड़ा भी हो रहा था। ये खास तैयारियां बीजेपी दफ्तर में पहले से ही थी। पार्टी पहले ही जीत की खुशबू को सूंघ चुकी थी। हालांकि नतीजों से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के सामने गठबंधन की चुनौती दिख रही थी, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी ने काफी आक्रामक होकर चुनाव लड़ा था। लेकिन नतीजे आए तो कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन का तिलिस्म टूट गया। विरोधी पक्षाने या ठिकाणी दुष्काळाचं राजकारण करायचा प्रयत्न केला, पण जनतेने त्यांचं राजकारण नाकारलं। शिवसेना ने इस बात को मानने में वक्त नहीं गवाया कि उसे राज्य में मोदी लहर का फायदा मिला। देशातला विरोधी पक्ष म्हणून जो उभा राहण्याचा प्रयत्न करत होता तो पूर्णपणे जमीनदोस्त झाल्याचे चित्र। मुंबई नॉर्थ सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर ने हार के बाद इस पर सफाई दी। राजनीति को छोड़कर दूर जाने का मेरा कोई बिल्कुल भी सवाल नहीं है, कोई विचार नहीं है। महाराष्ट्र में मुश्किल ये थी कि गठबंधन तो बना, लेकिन कई छोटी पार्टियों को कांग्रेस एनसीपी अपने साथ नहीं मिला पाई। इनमें प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी भी थी जो MIM के साथ लड़ी, लेकिन उन्हें भी जीत नसीब नहीं हुई। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की जीत कई मायनों में खास है। नतीजों के मुताबिक बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने कोटे की 25 में 23 सीटें जीती, ये उसके लिए बड़ी जीत। सहयोगी शिवसेना ने भी अपने कोटे की 23 सीटों में 18 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को 5 सीटों पर ही जीत मिल सकी, जबकि प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी समेत कई छोटे दलों का गठबंधन खाली हाथ रह गया। हालांकि अंतिम नतीजों के बाद ये भी सीटों के आंकड़े थोड़े बदल सकते हैं।